बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोढ़ी और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स। आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बाहर के राज्यों के अंदर भी गठबंधन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के साथ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जनसेना के साथ, पंजाब के अंदर उन्होंने पीडीए के साथ, पंजाब लोकतांत्रिक दल था उसके साथ, और हरियाणा के अंदर राजकुमार सैनी की पार्टी के साथ, महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। तो अब हम आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने तमाम राज्यों की जो समीक्षा बैठक की थी उसके बाद उन्होंने अपने राज्य के तमाम राज्य इकाइयों को यह निर्देश दे दिया है कि उनकी पार्टी गठबंधन पे निर्भर ना रहकर बल्कि अपने दम पर अपनी मजबूती का प्रमाण पेश करें। उन्होंने अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए साफ निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अपने राज्य के कमेटियों को यह कहा है कि हमारा किसी भी राज्य से, यानी कुल मिलाकर अब उन्होंने तमाम जो राज्यों के अंदर गठबंधन थे, केवल जनसेना का जो गठबंधन बचा है वही गठबंधन बचा है अभी तक, उसके अलावा तमाम जो गठबंधन थे उन्होंने उसको तोड़ने का काम कर दिया। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा, उसके बाद उन्होंने जो मध्य प्रदेश है वहां से भी समाजवादी पार्टी को जो सीटें दी गई थी उनके अलावा भी उन्होंने वहां से भी गठबंधन तोड़ दिया है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में बहुजन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था वो गठबंधन भी टूट गया है। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर उन्होंने राजकुमार सैनी जो बीजेपी के सांसद रहे थे और उनके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया था लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ। वो उन्होंने लोकसभा के अंदर 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और 2 सीटों पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लड़ने का ऊपर था, और विधानसभाओं के लिए उन्होंने फॉर्मूला किया था कि 55 सीटों के ऊपर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चुनाव लड़ेगी और 35 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब उन्होंने इस गठबंधन को भी तोड़ दिया है और यहाँ पर दोनों पार्टियों के जो अलग अलग है रास्ते हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के अंदर इनेलो के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, वो भी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के लिए था, लेकिन चुनाव आते आते वो गठबंधन भी इन्होंने तोड़कर राजकुमार सैनी के साथ गठबंधन थामा था, जो अब राजकुमार सैनी के साथ भी गठबंधन तोड़ दिया है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर लोकतंत्र पीडीएफ जो पंजाब लोकतांत्रिक दल के साथ गठबंधन था, अब हालांकि अभी उन्होंने उस गठबंधन से बाहर होकर अपने पूरे राज्य के अंदर मजबूती के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर कई सीटों के ऊपर जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वहां पर उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब भी ऐसा राज्य था जहां पर 4% से ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल हुए थे। केवल मात्र तीन चार सीटों के ऊपर चुनाव लड़के भी पंजाब में अंदर बहुजन समाज पार्टी ने हर सीट पर 2-2 लाख के करीब वोट हासिल किए थे। तो पंजाब के अंदर नई उम्मीदें जगने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने वहां से भी अपने आप को गठबंधन से बाहर निकाल दिया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के अंदर जो गठबंधन हुआ था अब उसे आगे जारी नहीं रखा जाएगा, वहां पर दोनों पार्टियां अब अलग अलग लड़ेगी। आने वाले निकाय चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़ में तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, वहीं अजीत जोगी ने भी अपनी पार्टी को अलग ले जाकर काम करने का निर्देश दे दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने जो बाहरी राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, अब लोकसभा चुनाव परिणामों में ज्यादा फायदा जिस उम्मीद के साथ इन्होंने गठबंधन किया वो उतना बेनिफिट नहीं होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी ने इन दलों से गठबंधन तोड़ लिया है। हालांकि किसी भी राज्य के अंदर इतना ज्यादा खास इफेक्ट नहीं देखने को मिला गठबंधन का, न केवल मात्र उत्तर प्रदेश से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, वहां पर उम्मीद कुछ ज्यादा थी, तो वहां पर भी जब उम्मीदें कामयाब नहीं हो पाई तो बाकी राज्यों के अंदर किसी भी गठबंधन की उम्मीदें उतनी कामयाब नहीं उतर सकी। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ, तब तक आपसे लेते जुदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।